दोस्तों रामायण के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन रामायण से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं। आज हम इस वीडियो में इस अनसुनी और अनकही बातों को शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और अहम महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। इनके अलावा कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकानंद आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जिनके संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी को बताया गया है। चलिए आज रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। भगवान राम की बहन भाइयों के बारे में आपने सुनी होगी। दक्षिण रामायण के मुताबिक राजा दशरथ के चार पुत्र के अलावा एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था, लेकिन शांता के पैदा होते ही उन्हें अंग देश के राजा रोमभेद ने गोद ले लिया था। वहीं राम के अलावा उनके बाकी भाइयों ने भी अवतार के रूप में जन्म लिया, जैसे लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख सेल के अवतार थे। माता सीता के स्वयंवर की अनूठी बात है, भगवान राम के सीता से विवाह का स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, जिसमें सभी राजकुमारों को एक शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाना था। बता दें कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। वही यह बात भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि माता सीता बचपन से ही खेलते खेलते समय में पिनाक धनुष को उठा लेती, जिस वजह से उनका स्वयंवर धनुष के आधार पर रखा गया था। भगवान राम के वनवास की कुछ सच्ची बातें। वनवास से पहले राम के चरण स्पर्श से जो शिला स्त्री बन गई थी वह स्त्री अहिल्या थी, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। दरअसल उस समय गौतम ऋषि को लगा कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे दिया है, जिसके चलते उन्होंने अहिल्या को श्राप देकर शिला बना दिया था। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के ज्यादातर समय 10 वर्ष दंडकारण्य नामक वन में पूरा किया था, जो अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। माता सीता और भगवान हनुमान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हनुमान लंका के अंदर 3 बार गए थे। पहली बार माता सीता का पता लगाने भगवान राम ने भेजा था, दूसरी बार लक्ष्मण की मूर्छित होने पर वेद को लाने गए थे, और तीसरी बार रावण के वध होने के बाद। इसके अलावा यह बात कम लोगों को मालूम होगी कि गर्भवती माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। जिन्होंने रामायण को लिखा था उन्हीं के आश्रम में माता सीता अपने बच्चों को यानी लव कुश को जन्म दिया था। रामायण के अन्य रोचक तथ्य। दक्षिण भारत के रामायण पर गौर फरमाया जाए तो राम सेतु बनाने में कुल मिलाकर 5 दिन का समय लगा था। इस सेतु की लंबाई 30 मील मतलब 48 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं आपको बताते चले कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और ये वाल्मीकि रामायण के 20,000 श्लोक से है। रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर बीजा अक्षरों से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।